आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है सीजी व्यापा में इस वक्त सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए सीएफ भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है आया है। सीएफ के जो है 5,853 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल के आया है। और इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि आप जो है किस तरह से जो है सीएफ बन सकते हैं और सीए भर्ती परीक्षा की तैयारी हम जो है किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए। बुक लिस्ट भी आपको बताऊंगा कि कौन से बुक से जो है आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, पैशनेट रहते हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, लेकिन यदि आप लोगों को बुक के बारे में पता चल जाए कि हाँ इसी बुक से जो है एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी दोगुना हो जाएगा, 100% से 200% हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा, अच्छे से मार्क्स आने पर। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीए भर्ती में, वो होता है आपका फ़िज़िकल, क्योंकि फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स में सबसे पहले आपको फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है। यदि आप सीए भर्ती परीक्षा में फिज़िकल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से सबसे पहले तो आपको जो है फिज़िकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, आपको वर्कआउट करना है, रनिंग करना है, फिज़िकल एक्टिविटी में आपको ध्यान देना है। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि योग्यता क्या है सीए भर्ती के लिए। तो इसके लिए योग्यता सिंपल है, आपका जो है 12वीं पास बस होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें सीएफ के लिए तो मिनिमम 18 वर्ष से एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष है। आयु सीमा में छूट आपको मिलता है, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्ष का छूट आपको दिया जाता है। तो यदि आप 45 वर्ष के हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, 43 वर्ष के हैं फिर भी आप जो है सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें सीए भर्ती परीक्षा में, तो इसमें सबसे पहले तो आपका फिज़िकल होता है, देन रिटर्न एग्ज़ाम्स होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। पहले फिज़िकल, फिर रिटर्न एग्ज़ाम्स, देन मेडिकल, इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन का पूरा एक दूसरे से जुड़ा रहता है, पूरा प्रोसीजर होता है। तो फिज़िकल और रिटर्न एग्ज़ाम्स दोनों को मिलाकर ही आपका जो है मेरिट लिस्ट, मेरिट बेस जो है बनाया जाता है, मेरिट लिस्ट आपका जो है तैयार किया जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत तो फिज़िकल में करना है, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम्स में। दोनों में यदि आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छे से आ जाता है तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हाइट भी कम से कम आपका जो है 5 फीट 6.5 इंच होना चाहिए, सेंटीमीटर में आपका जो है 168 सेंटीमीटर जो है होना ही चाहिए। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, कौन कौन से बुक से जो आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है जिससे आपकी सीए भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाए, बुक लिस्ट आपको बताता हूँ और आवेदन कब करना है और सीएफ के एग्ज़ाम जो है कब होगा। संपूर्ण डिटेल्स जो है इस वीडियो में आप लोगों को एक के बाद एक जो है मिलने वाला है। तो बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके व्यापम के एग्ज़ाम्स में जो है वो होता है आपके सीजी के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स मतलब होता है समसामयिक घटना चक्र। आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कब कौन से ज़िला बना, कौन से ज़िले से जो है कौन से नया ज़िला जो है बना है, छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं, कौन से ज़िला जो है किस वर्ष में बना, इन सभी चीज़ों के एक छोटी से छोटी जानकारी आपको जो है होना चाहिए, जिसे बोलते हैं करंट अफेयर्स समसामयिक घटना चक्र। तो यदि आप छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली जानकारी चाहते हैं करंट अफेयर्स समसामयिक की घटना चक्र के बारे में, तो इसके लिए आपको दो बुक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है जो 25 से 30 रुपए में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले विकास परक का मासिक पत्रिका और इसके साथ ही अर्जुना का करंट अफेयर्स, तो दोनों से आपको सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो जाएगा। वहीं इंडिया अनुवाड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं और करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है। प्रतियोगिता दर्पण आपका जो है मंथली मैगजीन रिलीज होता है जिसमें आपका संपूर्ण जानकारी जो है दिया रहता है, तो प्रतियोगिता दर्पण आप जो है ले सकते हैं जिसमें आपको बारीकी से जानकारी जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको गणित के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सीए भर्ती परीक्षा में जो है मैथ्स से
गणित से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंग गणित लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा। और इसके साथ ही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका जो है लॉजिक वाला अंग गणित जो है पूछा जाता है। तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका जो है कम्प्लीटली दिया रहता है। तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के ग्रामर भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ग्रामर्स के लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की लेना है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग ये सभी जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के ले सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो सीए भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है जो भी बुक लिस्ट मैंने आपको बताया इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी बुक से जो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए और आप जो है छत्तीसगढ़ में सीए भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट जिनको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कि जो आपके एक लाइक से जो एक मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को अप्रिशिएट किया कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिए। उन लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि कब कौन सी वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं। तो उन तक जो है वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जो है शेयर कीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोस जो है मिलते रहेंगे और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना। तो छत्तीसगढ़ में जो है सी एफ के 5,853 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती जो है निकल कर आने वाला है और ये अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही इस संबंध में जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है भेजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो जो है लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू।